नमस्कार दोस्तों, आपने जौहर का नाम तो जरूर सुना होगा, आपने केसरिया नाम भी सुना होगा और आपने साका का नाम भी सुना होगा। देखिए कि रानी पद्मावती ने किया था, वो एक जौहर था। तो ये तमाम सारी चीजें एक किला से जुड़ी हुई घटनाएं थी पुराने समय में, जब राजा महाराजाओं के समय में आक्रमण हुआ करते थे, तो उस समय की ये घटनाएं हैं। केसरिया, जौहर और साका, तीनों का उद्देश्य एक ही है कि तीनों युद्ध के समय में होते थे, लेकिन तीनों जो है वो है अलग अलग चीज। आपको मैं बता दूं, सबसे पहले जौहर के बारे में, तो जौहर जो है वो महिलाओं के द्वारा किया जाता था। किले के अंदर जो रानी महारानियां होती थी, जब दुश्मन सेना किले को चारों तरफ से घेर लेती और किले के अंदर जब ये शाही फरमान जारी हो जाता कि भाई दुश्मन की संख्या काफी अधिक है और किले के अंदर हम जो है वो कम है और लड़ाई होगी, तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारी हार जो है वो तय है, क्योंकि एक तरफ लाख की सेना है, दुश्मन लाखों की संख्या में है और हम मुट्ठी भर हजारों की संख्या में है, तो हमारी हार जो है वो तय है, लेकिन हम लड़ेंगे। किले की महिलाएं जो है वो उनके दुश्मन के हाथ नहीं लगेगी, वो जल करके जीवित ही आग के हवाले कर देगी, उसको कहते थे जौहर। उसमें महिलाएं जो है वो एक बड़ी संख्या में एक बड़े छत्र पर आग जलाती थी और उस आग के अंदर कूद जाती थी, ठीक है, तो उसको कहते थे जौहर। फिर जौहर हो जाने के बाद में दूसरा काम होता था पुरुषों का, वो करते थे केसरिया। केसरिया के अंदर क्या होता था कि जो पुरुष जो है वो सैनिक होते थे किले के अंदर, वो केसरिया वस्त्र पहनते थे, मतलब सिर पे जो है वो केसरिया साफा पहन लेते थे, केसरिया बाना पहन करके युद्ध भूमि के अंदर कूद पड़ते थे। उनको पता है कि मरना तो फिक्स है, ठीक है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा दुश्मन को खत्म करना है उनका उद्देश्य होता था केसरिया के अंदर, और केसरिया करते थे वीर पुरुष और दुश्मन सेना पर टूट पड़ते थे। अब तीसरा शब्द है वो है साका। साका क्या चीज होती है कि साका के अंदर दोनों चीज आती है, ये केसरिया और जौहर दोनों मिलकर के साका का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगर कहीं किले के अंदर ये केवल जौहर होता है और जो ये केसरिया नहीं होता है, तो वहां पे साका नहीं कहलाता, वो फिर आधा साका कहलाता है, ठीक है। तो साका की पूरी परिभाषा है जिसमें जौहर भी हो और केसरिया भी हो, मतलब जो है महिलाएं हैं वो जल करके जौहर करें और जो पुरुष है वो केसरिया करते हैं, युद्ध भूमि में युद्ध लड़ते हैं। जब दोनों चीज साथ में होती है तो उसको बोलते हैं साका, ठीक है। जैसे कि जैसलमेर के किले में भी साके हुए थे, सिवाना के किले में साके हुए, जालौर वाले किले में साका हुआ, चित्तौड़ के किले में साके हुए, रणथंभौर के किले में साके हुए। राजस्थान का पहला साका जो है वो रणथंभौर के किले में हुआ था 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय, उस समय वहां के शासक थे हमीरदेव सोहान। तो ऐसे ये मैंने तीनों चीज बताई, जौहर, केसरिया और साका। साके के अंदर दोनों होते हैं, जौहर भी होता है और केसरिया, दोनों चीज मिलकर के इसका साका का निर्माण करती है, और जौहर के अंदर महिलाएं जो है वो आग के अंदर जल करके अपने शरीर को आग के हवाले करती है, या पानी के अंदर कूद करके जल जौहर करती है। जौहर दो प्रकार के होते हैं, एक तो अग्नि अग्नि जौहर, एक जल जौहर, ठीक है, और पुरुष करते हैं केसरिया। और केसरिया के अंदर यही टारगेट रहता है कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा खत्म करना है। तो ये थी तीनों चीजें, जौहर, केसरिया और साका, तीनों चीजें मैंने आपको बताई है। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।